आपको इलेक्शन की चिंता है, मजदूरों की चिंता नहीं, गरीब की चिंता नहीं है। हाँ, आप लोगों को तो जानकारी पहले मिल जाती है, इलेक्शन कमीशन को बाद में मिलती है। आप वाकई में बिहार की जनता की सेवा करना चाहते हैं तो अन्ना हजारे बन जाइए। आप जवाब देना नहीं चाहते हैं आपके पास कलंक हो मैम। भैया करें श्री गणेश। यस स्टार्ट। तेजस्वी जी, बॉम्बे से, नासिक से जो लोग छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं उनमें से 16 लोग 14 लोग माफ करेगा पॉजिटिव निकल आए हैं। जो लोग आए हैं विदेशों से आए हैं, बिल्कुल क्या सरकार की क्या इंतजाम थे एयरपोर्ट पे? क्यों नहीं स्क्रीनिंग कराएगी, क्यों नहीं टेस्टिंग कराएगी? इस पे आप बहस कीजिए। मुझे एक बात बताइए, जो जमात के लोग दिल्ली के मरकज से निकलकर पहुंच गए देश के कोनों कोनों में, बिहार में भी आ गए, क्या आपको लगता है कि वो काम जायज हुआ? उस पर आपकी क्या राय है? जिस तरीके से जमात के लोगों के जरिए कोरोना फैल गया, एक तरीके से रंग जो दिया जा रहा है कि एक समुदाय द्वारा जो लिए, अभी आपका और हमारा जो दुश्मन है, पूरे विश्व का जो दुश्मन है वो कोरोना है। हाँ, हमको मिलके लगता है। तो मौलाना साद की अगुवाई में जो जमात लगी दिल्ली में, जिसमें करीब 15,000 लोग आए 15-20 दिन के अंदर, और जो देश भर में फैल गए और जिन्होंने बाद में छुपाई बीमारी को, उन पर आपकी क्या राय है? उन पर आपकी क्या राय है तेजस्वी भाई? देखिए, राजनीति करने का सवाल नहीं, आप इतने प्रश्न है वो समस्याओं का निदान करने के लिए नहीं है, कमियों को गिना करके, गलतियों को मान करके सुधारने के लिए नहीं है। आप मानेंगे जमात ने गलती की? जो है वो केवल राजनीति से पीड़ित है। आप मानेंगे मौलाना साद ने गलती की कि नहीं मानेंगे? आप जो है इस मामले में इन सब चीजों पे बढ़ावा ना दें। सही में अगर सम्मान देना है डॉक्टरों को तो हेलीकॉप्टर से फूल दे करके नहीं, बरसाने से नहीं होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टरों से और प्लेन से जो सम्मान इस रविवार को दिया गया वो गलत काम किया भारत सरकार ने, उस सम्मान के वो हकदार नहीं है, क्या आप ये कह रहे हैं? आप पूछेंगे, हम जवाब देंगे कि मध्य प्रदेश में विधायकों को लाने के लिए चार्टर्ड प्लेन भेजा जाता उनके लिए पैसा, लेकिन रेलवे जो है पैसा ले रही है। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे तेजस्वी जी। जो संडे के दिन, बीते रविवार के दिन भारतीय सेना ने सम्मान किया डॉक्टरों का, क्या वो गलत किया? जो पुष्प वर्षा की गई, क्या वो गलत किया? वो ठीक है, सम्मान किया। आप देखिए फिर वही बात, नहीं आप ठीक से बोलिए ना। आप ऐसा लग रहा है कि आप राजनीति कर रहे हैं, नौकरी के नाम पे गिरी कर रहे हो तुम। आप सरकार की खामियां गिनाइए कि पीपी किट नहीं किया, पर सम्मान का विरोध क्यों कर रहे हैं? मिला कितने लोगों को कोरोना पॉजिटिव हो गया? आप मौलाना साद का बचाव क्यों कर रहे हैं, उनकी आलोचना क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वो अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, नहीं ठहरा सकते, उसको आना चाहिए पुलिस के सामने। आप बोलिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो गलत किया कि नहीं किया? मध्य प्रदेश में जो सरकार है, प्रधानमंत्री ने जमात लगवाई थी निजामुद्दीन में, आप बोलिए ना गलत किया कि नहीं किया? निजामुद्दीन में जमात प्रधानमंत्री ने लगवाई थी। सरकार क्या कर रही है? एयरपोर्ट में क्या व्यवस्था थी? क्या व्यवस्था थी? तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री की गलती ज्यादा है, मौलाना साद ने कुछ भी गलत नहीं किया? गरीबों को मदद पहुंचाया जा सकता था कोरोना में, मेहुल चौकसी को माफ कर दिया गया, कर्ज माफ कर दिया गया, किसान मजदूर पे जो है आप डंडे बरसा रहे हो। तेजस्वी जी, जज की स्थिति में, तेजस्वी जी आप मेरे सवालों का जवाब मत दीजिए, आप स्वतंत्र हैं, हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, लेकिन आपकी जवाबों की, आपकी बातों से हमको जवाब मिल जा रहा है। अच्छा एक बात बताइए तेजस्वी जी, आप बिहार में नहीं है क्या? आप दिल्ली में फंस गए लॉकडाउन में क्या? आप कहाँ हैं? कहाँ से लाइव कर रहे हैं? अच्छा सवाल पूछ रहे हैं। हम जो है लॉकडाउन में, आपको पता था क्या लॉकडाउन होने वाला है? मैं आपको पता था क्या लॉकडाउन होने वाला है? हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद? नहीं हमको तो नहीं पता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके विरोधी आप पे हमला कर रहे हैं। आपको पता था लॉकडाउन होने वाला है? तो इसका मतलब आप पटना में नहीं है, इसका मतलब अगर हम आपके चैनल कई बार हमारे रैलियों को कवर किया है, अगर हम निकलेंगे, अगर भीड़ हो जाएगा तो क्या आप जिम्मेदारी लोगे? नहीं बिल्कुल नहीं लेंगे। अबे साले, आपकी भीड़ है, आपको जिम्मेदारी लेनी होगी, पर आप अभी दिल्ली में हैं, अब आप मुझे बताइए। मैंने एक सवाल पूछा, आपने उसका जवाब दिया, बात खत्म हो गई, बस हवा निकल गई। आगे बढ़ता हूँ, अगला सवाल, अगला 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 सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, दर्द नहीं हो रहा? अगला सवाल तेजस्वी जी, मेरा काम सवाल पूछना है, मेरा काम सवाल पूछना है, मुझे बताइए तेजस्वी भाई, मतलब आप देखिए ऐसा लग रहा है कि सिर्फ विपक्षी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है,
सत्ता में बैठे हुए लोग। अब मेरे सामने तो तेजस्वी यादव है, तो मेरा काम है आपसे सवाल पूछना। बिहार के चुनावों में क्या इस बार कोरोना का कहर रहेगा? क्या पूरा चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वे में लड़ा जाएगा, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं स्काइप के जरिए, डिजिटल वे में? क्या कि या जनता में रैलियां होंगी? हम डिसीजन मेकिंग में है क्या, पॉलिसी मेकिंग में है क्या? अभी प्लानिंग में तो आपकी पार्टी की, आपकी पार्टी की क्या तैयारी है? अभी आप तो युवा नेता है, आईटी का जमाना है। आप लोगों को तो जानकारी पहले मिल जाती है, इलेक्शन कमीशन को बाद में मिलती है। आप लोगों को तो जानकारी पहले मिल जाती है, इलेक्शन कमीशन को बाद में मिलती है। आपकी तैयारी क्या है? आप ई इलेक्शन के लिए तैयार हैं? आप ई इलेक्शन के लिए तैयार हैं? आपको इलेक्शन की चिंता है, मजदूरों की चिंता नहीं, गरीब की चिंता नहीं है? चुनाव आयोग, आप चाहेंगे कि चुनाव टल जाए आगे या हो समय पर? हम क्या बताएं, अभी हमारे सामने हम चुनाव देखेंगे कि हम लोगों को जिंदगी बचाने में लगेंगे, उनको भूख मिटाने में लगेंगे, जो प्रवासी जो बिहारी है, जो कर्मवीर है, जो योद्धा है, उनको वापस लाएंगे जिन्होंने देश बनाने का काम किया। क्यों नहीं पूछेंगे चुनाव के बारे में राजनीतिक शख्सियत से, जो मुख्यमंत्री बनने के सपने देखता हो, जो बगैर किसी उसके मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहा हो, उससे सवाल क्यों नहीं किया जाएगा? तेजस्वी भाई, इससे तेजस्वी भाई जरूरी है जनता के सामने तस्वीर साफ सामने लेकर आना। आप कह दीजिए मौका है आपके पास, आप कह दीजिए कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे इस बार, आप कह दीजिए आप जनता की सेवा करेंगे, आप एनजीओ खोल रहे हैं, आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, बोल दीजिए आज आप तेजस्वी आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, आप जनता की सेवा करेंगे अगले 2 साल 3 साल 5 साल तक जनता के बीच रहेंगे, बोल दीजिए तेजस्वी, बिहार का चुनाव नहीं लड़ेंगे इस बार। आप सिर्फ आपकी पार्टी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपकी बात कर रहा हूँ। आप वाकई में बिहार की जनता की सेवा करना चाहते हैं, वरना हजारे बन जाइए। चुनावी राजनीति से दूर हो जाइए, सेवा करिए। कहने को तैयार है क्या? क्या आप तैयार है कहने के लिए? कहने के लिए तैयार है? ये मंच आपका है, ये चैनल आपका है, कहिए ना आप देने का अधिकार है जो अपनी जिम्मेदारी को निभा सके, जैसे आप अपनी जिम्मेदारी को शायद नहीं निभा रहे हैं, तभी आप हमले हो रहे हैं, आपने कितना प्रयास किया वापस पटना लौटने का, आपने कितनी बार एप्लीकेशन लगाई, बताइए ना, आपने कितनी बार प्रशासन के पास परमिशन लगाई कि आप पटना वापस जाना चाहते हैं, बताइए ना। आप मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, मैं क्या समझूं इसको? आप जवाब देना नहीं चाहते या जवाब है नहीं आपके पास? कलंक हो, आप मुझे कुछ भी कह दो तेजस्वी यादव, मैं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। आप अपनी बातें कहकर, आप अपनी बातें कहते रहिए, ये आईना है, ये कैमरा झूठ नहीं बोलता है, जनता जानती है कौन कहाँ खड़ा हुआ है। तुम्हें शर्म है, कुछ शर्म आया है? सौ बात की बात है कि ये कैन डू जनरेशन है, अब बताइए मैं क्या करूंगा। एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ, अपने हाथ को इस तरह से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी, बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तो तेरा मन पर आ।